आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के दो मेथड पढ़े थे, फैक्टराइजेशन मेथड यानी मिडिल स्प्लिटिंग मेथड और दूसरा था आपका कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो आपका जो तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, जिसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, उसको करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है इसमें, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना। तो देखिए स्टूडेंट्स कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, यह डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। तो देखिए इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, उसमें a जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता है, b आपका x का कोफिशियंट होता है और c आपका कॉन्स्टेंट होता है। तो यदि हम कि अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a b c की वैल्यू कंपेयर कर लें और उनको कंपेयर करने के बाद में हम d यानी d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यदि हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालते हैं, यही हमारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट कुछ नहीं है, जो आपके a b c की वैल्यू कंपेयर करके आएगी उसके अकॉर्डिंग उसी की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालेंगे। इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। देखिए कैसे निकालते हैं, सबसे पहले कंपेयर करेंगे a इक्वल टू टू, a की वैल्यू कितनी है टू, b इक्वल टू माइनस फाइव एंड c इक्वल टू फोर। a की वैल्यू टू, b की वैल्यू माइनस फाइव और c की वैल्यू कितनी है फोर। डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी माइनस फाइव का स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू है टू और c की वैल्यू है फोर। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 25 माइनस फोर टू जा एट, एट फोर जा 32। सोल्व करके कितना आता है, माइनस के 7। ये आ गया आपके पास d की वैल्यू, यही आपका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना एक नंबर का क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में, इसके बारे में एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको सोल्व करके जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसी को हम बोलते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। तो स्टूडेंट्स ये है आपका डिस्क्रिमिनेंट। अब जो है एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपका डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपका इस डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन
के आने के चांस आपके 10% है, लेकिन उसके आने के चांस जो होते हैं वो 90% चांस होते हैं। वो टॉपिक है आपका नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, यानी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सोल्व किए आप उसके रूट्स की क्या है नेचर बता सकते हैं कि रूट्स आपके किस तरह से हैं, देखने में एक जैसे हैं, एक जैसे हैं लेकिन साइन चेंज है या डिफरेंट डिफरेंट है, या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स नहीं निकाल सकते हैं। तो जैसे आपके लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपने इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी रिलेटेड आपका जो टॉपिक है वो है आपके नेचर ऑफ रूट्स, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकल के आते हैं उनकी नेचर के बारे में पता करना। तो देखिए उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, अगला जो टॉपिक है वो है आपका नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपसे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और इससे रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है वो 90% आपसे पूछा जाता है। ये भी बहुत इजी है, जैसे ही आपका डिस्क्रिमिनेंट वाला टॉपिक है बहुत इजी टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, यदि आपको डिस्क्रिमिनेंट अच्छे से समझ में आ गया तो आप नेचर ऑफ रूट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नेचर ऑफ रूट यानी इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि आपके पास क्या है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं, और जब ए बी सी की वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं तो आप उसका डिस्क्रिमिनेंट भी निकाल लेते हैं, क्योंकि जो नेचर ऑफ रूट का जो टॉपिक है वो आपका डिस्क्रिमिनेंट से ही रिलेटेड है। तो देखिए फर्स्ट इफ डिस्क्रिमिनेंट डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव, यानी जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, यदि वो सोल्व करके क्या जाता है पॉजिटिव आ जाता है, then roots are real and unequal, तब आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे रियल और अनइक्वल होंगे, यानी रियल नंबर तो होंगे लेकिन कैसे होंगे अनइक्वल होंगे, यानी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। सेकेंड इफ डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, यदि आपका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपका क्या जाता है जीरो आ जाता है, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तब आपके रूट्स क्या होंगे रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। तीसरा इफ डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो, यदि आपका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो यानी नेगेटिव आ जाता है, देन रूट्स आर नॉट रियल, तब आपके रूट्स क्या होंगे रियल नंबर नहीं होंगे, उनको बोलते हैं इमेजिनरी रूट। यानी यदि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होते हैं तभी हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, जब उसके रूट्स रियल नहीं होते हैं यानी इमेजिनरी होते हैं तब हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व नहीं करते। तो जो हमारा नेक्स्ट मेथड है श्रीधराचार्य मेथड, तो उसको उससे सोल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स चेक करने पड़ेंगे कि उनकी नेचर कैसी है। तो इसलिए और उसके लिए हमें चाहिए डिस्क्रिमिनेंट, यानी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं तो उससे हम उसकी नेचर का पता कर लेते हैं कि इसके रूट्स के नेचर किस तरह से है। तो स्टूडेंट्स तो ये था आपका टॉपिक डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जिससे रिलेटेड मैं आपको रियल रूट्स इमेजिनरी रूट्स और रूट्स जो आपके रियल हैं उसमें दोनों टाइप से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।